में देते हैं। कि शिवराज सिंह जी ने ऑर्डर भी कर दिया कि एमएसपी पे खरीदा, मतलब कि पहले नहीं खरीदा जा रहा था। दूसरी तरफ इनपुट प्राइसेस को आप देखो, आग का दाम चाल, पेट्रोल का दाम अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो मैंने मन से कहा 60% गिर गया, लेकिन भारत में नहीं गिरा, श्रीलंका में गिर गया, बांग्लादेश में गिर गया, अरे क्या है, नेपाल में भी गिर गया, पाकिस्तान में भी गिर गया, लेकिन भारत में वही तेजी से चल रहा है। उसको बताइए, मैं पूछा कि देखिए हमारा वैट 28% 22 रुपये पेट्रोल पर और करीब 18 रुपये डीजल, सबसे ज़्यादा पूरे देश में। वो किसान जाएगा कहाँ? इधर से पूरी तरह से उसको चोक कर दिया है, इनपुट कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं, उस तरफ से एमएसपी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। और एक उदाहरण मैंने आपको दे दिया, 5,500 रुपये सोयाबीन का दाम होता था कांग्रेस के ज़माने में, आज 2,600, उसमें भी 100 रुपये का बढ़ होता है। प्याज टमाटर आलू 5, 2, 1 रुपये सड़क पर देखा। मैंने आपको कहा कि मैं उज्जैन की मंडी में गया हूँ, बस की मंडी में गया हूँ, मैं नहीं जो मैं आपको कह रहा हूँ, आठ किसान अपने ट्रॉलर के नीचे बैठ के मंडी में मैं गया उज्जैन की मंडी में, 4 बजे सुबह से किसान के साथ आपके एक पेपर में छापा है, सामने